हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं राधा की रसोई बाई एसजेएस। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ चना दाल मेथी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैंने मेथी ये धुल करके 3-4 पानी से और बारीक काट लिया है, और कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। अब उसमें डालते हैं मस्टर्ड ऑयल 2 टेबल स्पून। तो फ्रेंड्स, देखिए तेल हीट हो गया है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम जीरा डालेंगे। जीरे को थोड़ा ब्राउन होने देते हैं। देखिए ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालते हैं अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 3 हरी मिर्च है, इसे भी बारीक काट लिया है। गोल्डन ब्राउन होने तक इंतज़ार करते हैं। अब इसमें जाएगा 1 बड़ी साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो रही है प्याज, अभी पूरी तरीके से नहीं हुई है। थोड़ा और इसे चलाते हुए भून लेते हैं। अब जाएगा इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच है बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। तो ये बता दें कि तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है इससे रेसिपी में, इसलिए मैंने डाला है। 1 चुटकी हींग है, और 1-2 टमाटर मैंने ले लिया था, उसको मिक्सर जार में डाल के पीस लिया है। बड़े साइज का टमाटर है, और देखिए मसाले भुन चुके हैं। तो अब इसी में टमाटर को भी भुनेंगे। तो इसे चलाते हुए भुनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना हो जाए, तब तक भुनेंगे टमाटर को। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक या स्वादानुसार, और ये फ्रेंड्स दाल है, चना दाल है, इसे मैंने बॉईल कर दिया है 4 से 5 सीटी लगा के। इस प्रकार से इसे उबाल दिया है, ये पहले ही मैंने कर दिया था। इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी चना दाल ली है और 3 कटोरी पानी डाला था। तो फ्रेंड्स देखिए, टमाटर से अभी तेल सेपरेट नहीं हुआ है, इसे कुछ देर तक और भूनते हैं। और एक बार मेरे तरीके से आप चना दाल मेथी बनाकर ज़रूर देखिएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये मेथी भी इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेथी भून रही है, गल चुकी है, थोड़ी देर तक इसे पकाए हैं, अभी गली है, पकी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेथी बहुत अच्छी तरह से पक रही है और हाई फ्लेम पे भून रहे हैं।
क्योंकि मेथी मैंने तुरंत धुल कर काटा था तो थोड़ा मॉइस्चर था ही, इसलिए मैं हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। अगर आपकी मेथी ड्राई है, पहले से धुल कर रखे हैं, तो उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे करिए, भूनिए, नहीं तो जलने का चांस रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेथी एकदम गल कर पक चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे दाल, ये दाल ऐड कर रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया था। अब इसे थोड़ी देर चला कर मिला लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मेथी भुनने में मुझे 5 से 6 मिनट लगा है। और अब दाल तो पकी ही है, बट थोड़ा तो मेथी में पकना चाहिए इसे भी, तो 5 से 6 मिनट इसे भी पकाएंगे। आधा चम्मच गरम मसाला डाल रहे हैं। गरम मसाला आप जब भी डालिए, लास्ट में डालकर पकाइए। अभी मेथी 2-3 मिनट और पकेगी, 3 मिनट दाल कुक हो चुकी है अभी दाल के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, चना दाल मेथी बनकर तैयार है, पूरी तरीके पक गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं फ्रेंड्स। अब इसे सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच घी भर के है। मेथी दाल को तड़का देंगे, गरम होने दे दें घी। तो फ्रेंड्स देखिए, घी गरम हो चुका है। आधा चम्मच फिर ऐड कर रहे हैं जीरा, आधा चम्मच मेथी भूनते समय ऐड किए थे, ये जाएगा तेज़पत्ता, 3 लाल मिर्च है, ये लहसुन है, इसे मैंने इतना लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े में काट लिया है। अब इन सबको गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। देखिए लहसुन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे, ये भी थोड़ा लंबे लंबे में प्याज कटा है, इसे भी ब्राउन होने देते हैं, चलाते हुए भुनेंगे। बिल्कुल एकदम सूखा कर लेना है गोल्डन ब्राउन। तो फ्रेंड्स देखिए, प्याज भी गोल्डन ब्राउन होने वाली है। देखिए इसमें एकदम कैरमलाइज कलर आ गया है, ऐसे ही मुझे भुनना था। तो अब तड़का इसमें डालते हैं फ्रेंड्स, तड़का इसमें डाल देते हैं। मेथी दाल बनकर तैयार है। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।